हमको तुम्हारे वादे पर पूरा यकीन था, लेकिन अकेली क्यों आई? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह, सावधान इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति, दरअसल ये देश को आगे बढ़ाने और सही दिशा देने का काम होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स का मतलब ना तो देश को आगे बढ़ाना होता है, ना ही लोगों का भला करना। उनके लिए तो ये महज एक खूनी खेल होता है। सत्ता और पावर की हवस में डूबे ऐसे लोगों को सब कुछ जायज लगने लगता है, फिर वो चाहे खुद अपनी आत्मा को मारना हो या किसी और की जान लेना। सत्ता के साथ कुछ खतरे भी आते हैं और कई बार तो पॉलिटिशियंस की जान को भी खतरा होता है, इसीलिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराया जाता है। लेकिन कई बार इस हाई सिक्योरिटी शील्ड को तोड़कर भी खतरा उन तक पहुंच ही जाता है। मशहूर पॉलिटिकल लीडर सूर्यवंश यादव पर भी भारी सिक्योरिटी के बावजूद जानलेवा हमला हुआ। जाहिर है हमलावर कोई उनका करीबी था, इसीलिए इतने करीब पहुंचकर वो उन पर हमला कर पाया। लेकिन कौन था वो हमलावर जिसे देखकर सूर्यवंशी बेहद खुश हुए, और वो किस वादे को निभाने की बात कर रहे थे? इस हमलावर की इतने मशहूर पॉलिटिकल लीडर से क्या दुश्मनी थी, जानने के लिए चलते हैं 6 महीने पीछे। बेटी अब बड़ी हो गई है, कहीं भी शुरू मत हो जाइए आप। 16 साल की बेटी की माँ खुद 16 की लगे तो नियत बेडरूम देख के नहीं फिसलती। आप भी ना। मम्मी नाश्ता दो, बहुत भूख लगी है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। लाई दो नाश्ता। गर्मा गर्म पराठा। थैंक यू। एक और दो? एक ही वरना मोट हो जाऊंगी। तेरी मक्खन लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, आचार दो ना, आचार के साथ खाऊंगी। चांदनी तुम भी तैयार हो जाओ, रिया को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाना। हाँ हाँ, मुझे आज थोड़ा लेट जाना है। ठीक है, ये लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए। हमारे क्षेत्र में पिछले 2 सालों में जितना विकास हुआ है, शायद उतना विकास किसी और क्षेत्र में कई सालों में नहीं हुआ। लेकिन इसका श्रेय केवल हमें नहीं जाता है, इसका श्रेय जाता है हमारे पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को, जिनके योगदान की वजह से मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अरे आइए चांदनी जी, आप हैं हमारी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जिन्होंने हमारे क्षेत्र की महिलाओं की प्रगति के लिए बेहतरीन काम किया है। आइए बैठिए प्लीज। भाई इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ये इंटरव्यू टीवी पे कितने बजे आएगा? वैसे नेताजी ने तो आपकी काफी तारीफ कर ही दी है, लेकिन आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने में आप लोग किस हद तक कामयाब हो चुके हैं? एक औरत होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज के सो कॉल्ड मॉडर्न समाज में हम औरतों का खुलकर जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और पॉलिटिक्स को अपना करियर चुनते वक्त मैंने ये कसम खाई थी कि मैं बदलाव जरूर लाऊंगी। पापा मुझे ना मामा पे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, मुझे भी मामा के जैसे बनना है। बनेगा मेरा बच्चा, बनेगा। थैंक यू। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार के इलेक्शन में आप भी टिकट ले रही हैं? जी नहीं, अपना काम ईमानदारी से करने के लिए मुझे टिकट की जरूरत नहीं, मैं बस एक सुरक्षित और उन्नत देश की कामना करती हूँ। कमाल का इंटरव्यू देती है चांदनी जी, आप फर्स्ट क्लास। मुझे काम आम करने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है, क्या बात। सर मैंने तो वही कहा जो आपने कहा, लेकिन सर मुझे टिकट तो मिलेगा ना? पार्टी के लोग आपके काम से खुश तो हैं, दिलवा सकते हैं हम टिकट। थैंक यू सर।
थैंक यू, उसे अकेले काम नहीं चलेगा चांदनी जी। आप हमारी जरूरतें पूरी कर दीजिए, हम आपकी जरूरतें पूरी कर देंगे। टिकट क्या चीज है चांदनी जी, आपको तो गद्दी मिलेगी गद्दी। लेकिन एक बात बताइए, आप गद्दी लेके करेंगी क्या? सर, गद्दी मिलने के बाद भी मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे सर। लेकिन सर, मुझे आप टिकट तो दिलवाएंगे ना? टिकट तो यहाँ बैठे बैठे नहीं मिलेगी। तो फिर सर? अंदर बेडरूम जी। कौन परेशान कर रहा है? सर प्लीज एक मिनट। हाँ यार, रोहित, सर रोहित का फोन है। एक मिनट सर। चांदनी, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। नया कैंपेन का काम शुरू हुआ है ना, इसलिए बहुत सारा काम है, आने में थोड़ा। नहीं, तुम चिंता मत करो, सूर्यवंश जी की गाड़ी मुझे घर तक छोड़ देगी। सुनो, तुम दोनों खाना खाकर सो जाना। गुड नाइट। क्या हुआ, पदे ने मूड खराब कर दिया? लेकिन सर, मैं आपका मूड खराब नहीं होने दूंगी। सच? पार्टी वर्कर के तौर पर चांदनी अच्छा काम कर रही थी, पर उसका एक बेहद सुखी परिवार भी था। लेकिन जिन लोगों को जिंदगी से बहुत जल्द बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उन्हें कभी संतोष नहीं होता। चांदनी एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लीडर बनना चाहती थी, उसे सत्ता चाहिए थी, और सत्ता की ऊंचाइयों को छूने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार थी, और इसकी उसे कीमत भी मिल रही थी। सूर्यवंश चांदनी को पार्टी और पब्लिक में जमकर प्रमोट कर रहे थे, लेकिन ऐसे रिश्ते अक्सर रुई और आग की तरह होते हैं। हालांकि इन दोनों को भले ही इसके अंजाम की फिक्र नहीं थी, लेकिन चांदनी के पति रोहित को अपने परिवार की चिंता थी। जाग रहे हो? ओ माँ, मैं तो दिन रात काम करके थक गई हूँ। तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? अकेली नींद नहीं आ रही थी। अकेली सोने की आदत अब डाल दो, अब से मैं बहुत बिजी होने वाली। इतना काम क्यों करती हो? थोड़ा आराम भी जरूरी है। नहीं रोहित, जब तक मुझे टिकट नहीं मिल जाता, मैं इलेक्शन जीत नहीं जाती, मैं आराम नहीं करूंगी। पर इतना काम क्यों करती हो? घर का खर्चा चलाने के लिए मैं काफी हूं ना, और तुम्हें तो रिया को टाइम देना चाहिए। रोहित, बात हमेशा पैसों की या खर्चा चलाने की क्यों होनी चाहिए? मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान है। जब कॉलेज में इलेक्शंस हुए थे, तब
मम्मी डैडी ने मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, लेकिन अब मैं जानती हूँ मेरा फ्यूचर क्या है। मुझे एक मौका मिला है रोहित, अपना सपना पूरा करने का। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। थोड़ा टाइम अपने इस पुराने पति को भी दे दिया करो। जब पति का ख्याल रखना था तो बहुत ख्याल रख लिया। अब मुझे अपने सपनों का पूरा ख्याल रखना है। चांदनी जी, हमने कैंपेन के लिए एक नया प्लान किया है, बस आप एक बार चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा है सर, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, तुम्हारे लिए। Oh my God, बहुत खूबसूरत है। पहनाओ। Good night. रोहित, I'm sorry, मैं थोड़ा थक गई हूँ। सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हूँ ना, बस थक जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। Good night. Good night. कुछ दिन पहले ये चांदनी आपके आगे पीछे घुमा करती थी, अब देखिए कहां से कहां निकल गई। अभी हम सम्मेलन के लिए निकल रहे हैं, वापस लौट कर बैठेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? कैंपेन्स के आगे के प्लान भी तैयार करना है, तब तक आप एक काम करिए, ये कागज वगैरह रेडी करा के रखिए, लौट के मिलते हैं, ठीक है? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगी। ओके। मैं जानता हूँ कि तू ये सब क्यों कर रही है। तुझे टिकट चाहिए ना? छोड़ दीजिए मुझे। मंत्री जी के साथ जो करती है हमारे साथ भी कर ले। छोड़ दीजिए मुझे। सिफारिश कर देंगे। नहीं। शुक्र मना से थप्पड़ मार रहा है, पुलिस में नहीं सौंपा। आप कर भी नहीं सकते नेताजी,
आपकी असलियत भी मालूम है मुझे और इस औरत की भी। चुप कर, औकात नहीं है तेरी। लगता तेरे को वहीं फेंकना पड़ेगा जहाँ से तू आया था, तब तेरे को तेरी औकात मालूम पड़ेगा। फेंक उसको बाहर। हसन, दो किलोमीटर के दायरे में भी मत देखना मेरे चांदनी के। फेंक उसको बाहर। चांदनी, चांदनी। पापा। रिया। हाँ। मम्मा नहीं आई अब तक? नहीं पापा, मम्मा नहीं आई है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ बोलो, क्या खाओगी? पापा पास्ता खाए क्या? ओके, मैं बना के लाता हूँ। यस ठीक है। हेलो भाई, क्या बात है? होने वाले नेताजी के पति रात को किचन में काम कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वैसे तो ठाट है हमारे होने वाले नेताजी के भी, वहाँ आपकी पत्नी नेताजी के साथ रंगरलिया मना रही है और आप यहाँ खाना बना रहे हैं। कौन बोल रहा है? सामने आओ। हेलो। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं खाना लेके आता हूँ, जाओ। रोहित, क्या हुआ रोहित? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? पता नहीं, किसी का फोन आया था, तुम्हारे और सूर्यवंशी के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था। क्या रोहित, उन्होंने कह दिया और तुमने मान लिया? कम ऑन रोहित, तुम तो जानते हो लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं। रोहित बैठो बैठो। इतनी सी बात से अगर तुम परेशान होने लगोगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ अभी तो मुझे टिकट भी नहीं मिला है और लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी है। सोचो कि अगर मैं नेता बन जाऊंगी तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। हाँ बात बात पर अगर तुम यूं ही इसी तरह परेशान होने लगोगे तो कैसे चलेगा? पता नहीं रोहित को किसका कॉल आया था। सर कहीं वो आपका पीए राजन तो नहीं? चांदनी जी, उसको लेकर आप चिंता बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी। मैंने वो सब कुछ किया जो आपने कहा, आपने चाहा, पर अब बात अब मेरे परिवार तक आ गई है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, सब बहुत डर लग रहा है। सर मेरे टिकट का क्या होगा? सर हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, बस आप हमारा साथ देते जाइए। अच्छा आप अपने घर वालों को बता दीजिएगा कि दो दिन आप घर नहीं आ पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि दो दिन आप हमारे साथ रहेंगे। टिकट चाहिए ना? हेलो, दो दिन के लिए बाहर जा रही है तुम्हारी बीवी, ऐसा वो तुमसे कहेगी। लेकिन वो कहीं जाने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे पीठ पीछे अपनी रंगरलिया मनाने का। कौन बोल रहे हो तुम? हेलो हेलो, चांदनी। रोहित, मुझे जरा पार्टी के काम के लिए दो दिनों के लिए बाहर जाना होगा, कल सुबह ही निकलना है। कहाँ जा रही हो तुम?
वो पीतल गांव, पीतल गांव जाना है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मुझे लगता है कि रोहित को हम पे शक होने लगा है। चाहे जो भी हो, मुझे अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। हमसे जुड़े रहोगी तो कुछ नहीं टूटेगा, संभाल लेंगे तुम्हारे पति को भी, चिंता मत करो। बैठा उनको हम आते, तुम्हारे पति देव आए। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। हम उससे वही झूठ बोलेंगे तुम उससे बोल के आई हो, ठीक है? अरे आइए आइए रोहित जी, कैसे आना हुआ अचानक? मतलब कमाल कर दिया आपने तो। सर माफी चाहूंगा, बगैर अपॉइंटमेंट के चला आया। कैसी बात कर रहे हैं रोहित जी आप? चांदी जी के परिवार वालों को मुझसे मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, कहिए कैसे मैं कर सकता हूँ मैं आप? सर सब सर पता नहीं आपसे ये बात करना ठीक भी रहेगा या नहीं, चांदनी आजकल बहुत ज्यादा बिजी है, घर परिवार यहां तक कि हमारी बेटी रिया के लिए भी वक्त नहीं है उसके पास। मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, मुझे उस पर गर्व है, पर एक राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता होने के साथ साथ वो एक पत्नी और माँ भी है, हमें भी उसका थोड़ा वक्त चाहिए होता है सर। और अगर ये बातें मैं उससे करूँ तो उसे लगेगा कि मैं उसे समझता नहीं, पर वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है सर, आप यदि बात उसे समझाएंगे तो शायद वो थोड़ा वक्त अपने परिवार को दे दे। तो जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपकी बात अच्छी तरीके से समझते हैं। दरअसल बात यह है ना कि चांदनी जी हमारी पार्टी की बड़ी अहम कार्यकर्ता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिजी तो रहेंगी ही ना। लेकिन मैं आपकी बात को गलत नहीं मान रहा हूँ, आप इस पर कर रही है, मैं उनसे आपकी बात कर लूँगा, ठीक है? वैसे कौन से गांव में विजिट पे हैं सर वो? वो मिथिला गांव, मिथिला गांव गई। हाँ वो तो पीतल गांव कह रही। पीतल अरे क्या है ना रोहित जी, वो दरअसल चार पांच टीम अलग अलग गांव में घूम रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मिथिला पीतल पीतल मिथिला, और वैसे ये सारे गांव पास पास हैं तो पीतल गांव ही गई होगी वो। यार आप चिंता मत करिए, आपकी पत्नी सही सलामत दो दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। अच्छा नमस्कार। शक हो गया, देखा हो ना हो जरूर ये सब उस ये राजन का किया धरा है, उसी ने रोहित को हम दोनों के कार में घबरा रहे हैं। रोहित रोहित मुझसे बहुत प्यार करता है, इस वक्त उसको कितना बुरा लग रहा होगा। बेकार में घबरा रहे हैं, इस चीज को तो हमने निपटा देंगे। आप सर फालतू के जमस्कान देते रहिए बस। ये बात अच्छा, अब एक काम करिए, हमारे कैंपेन की सक्सेस पार्टी पे आप अपने पति और बेटी दोनों को बुलाइए, सारा शक दूर कर देंगे हम उनका, ठीक है? हमारे ऊपर छोड़िए ना। थैंक यू सर। कैसे हैं रोहित जी आप? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास हमेशा की तरह। सबसे पहले इनसे मिलिए, मेरे नए पीए सुधांशु जी। आपके पुराने पीए राजन नजर नहीं आ रहे। अरे आपको कैसे नहीं पता? चांदनी जी आपने बताया नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। दरअसल राजन की गंदी नजर थी आपकी बीवी पर, और इस बात का पता मुझे तब चला जब
राजन ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी चांदनी जी के साथ, लेकिन मानना पड़ेगा चांदनी जी भी आज की भारतीय नारी है। थप्पड़ मार के करारा जवाब दिया राजन को, जाहिर सी बात है उसके बाद मैंने उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। क्योंकि जो वो चाहता था चांदनी जी से उसको हासिल नहीं हुआ, तो हो सकता है वो इनके खिलाफ इनके पीठ पीछे कुछ अनाप शनाप अनशन बक रहा हो, बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। चांदनी, इतना कुछ हो गया और मुझे बताया भी नहीं। रोहित, मैं खामखा तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी, तुम परेशान हो जाते। चलिए ये सब आप लोग घर में कर लीजिएगा, अभी मुझे ये बताइए केवल मुझे आप दोनों से ही बात करने का मौका मिलेगा या विद्या से भी मुलाकात होगी? क्यों नहीं सर, एक मिनट, रिया कहाँ गई? रिया? हाँ मामा। रिया इधर आ। अरे बस 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 बस, क्या कर रही है बेटा? बच्चियों की जगह पैरों में नहीं दिल में होती। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में बदले को? हाँ सेम। रोहित अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था, लेकिन कई बार हकीकत और अफसाने इस कदर उलझ जाते हैं कि भेद करना मुश्किल हो जाता है। सूर्यवंश और चांदनी इतने शातिर थे कि उन्होंने रोहित को अपनी बातों पर भरोसा दिला दिया, लेकिन सत्ता के लालच में गुनाह की जिस आग से चांदनी खेल रही थी उस आग से उसका दामन कभी ना कभी तो जलना ही था। सर, रोहित के दिमाग से शक दूर करने के लिए शुक्रिया। अरे फिर शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। क्या लगा रखा आपने, कल हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आपने अपनी परीक्षा पास कर ली, कल हम टिकट देने जा रहे हैं आपको। सच? थैंक यू सर। थैंक यू। अब बताइए खुश है ना आप? बहुत खुश। पक्का? जी। क्या कहा मम्मा? सच्ची? Congratulations! Thank you. आपको पता है मामा, मैं बहुत ही ज़्यादा proud feel कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। Congrats चांदनी, ये तरक्की तुम deserve करती हो। सूर्यवंशी announcement कब कर रहे हैं? बहुत जल्द। नमस्कार, आज हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ा announcement करने जा रहे हैं, जो हमारे पार्टी के लिए एक अहम निर्णय साबित होगा। हमने सोचा है कि इस बार इलेक्शन में पार्टी की तरफ से चांदनी जी को टिकट दी जाए। चांदनी जी, हमारे कैबिन में आइए, कुछ जरूरी कार्रवाई पूरी करनी। जी सर। चलिए मिलते हैं। पार्टी की टिकट मिल गई आपको, पति का भरोसा बन गया, सारे शक खत्म, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा ओहदा, और क्या चाहिए किसी को। लेकिन चांदनी जी, आपको इतना सब कुछ देने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं हूं ना सर। अरे नहीं 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 नहीं, चांदनी जी क्या कर रही हैं आप? हमने आपसे अब तक वो नहीं मांगा जो हमें चाहिए जी। हमें चांदनी नहीं चाहिए, हमें चांदनी की बेटी रिया चाहिए। सर, आपका दिमाग तो खराब नहीं होगी? मेरी बेटी के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शुक्र मनाइए कि हम बोल रहे हैं, वरना आप तो मुझे जानती हैं, अच्छे से जानती कि जो हम चाहते हैं पाई लेते। क्या है ना चांदनी जी, हम आपसे बोर हो चुके हैं, अब हमें कुछ नया चाहिए जो आप नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, लेकिन आपकी सुपुत्री रिया मुझे सब दे सकती है। टिकट चाहिए ना? हाँ? अपना टिकट अपने पास ही रखिएगा। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिएगा, मेरी बेटी का ख्याल भी अपने मन में मत लाइएगा। आप तो क्या, आपके साये तक को मैं भी बेटी के करीब आने नहीं दूंगी, नहीं आने दूंगी।
गुनाह की जिस आग से चांदनी खेल रही थी उसकी आंच कभी तो उसके घर तक पहुंचती। आज एक पलड़े में चांदनी का पॉलिटिकल करियर था और दूसरे पलड़े में उसकी बेटी की जिंदगी। चांदनी को यह समझौता हरगिज मंजूर नहीं था, लेकिन सूर्यवंश के मुंह खून लग चुका था और वो यूं ही हार मानने वाला नहीं था। मम्मा आइए आपको कुछ दिखाती हूँ, देखो ना कौन आया। कौन आया है? आइए चांदनी जी, आपके घर में आपका ही स्वागत है। दरअसल हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अपने पार्टी के नेता के घर वालों को हल्लो बोलते चलें। ठीक किया ना जी? अच्छा रोहित जी, फिर मुलाकात होती है ना? आपके साथ हमारी शतरंज की बारी उधार रही। ओके सर, ठीक है, फिर खेलेंगे। हमारी इच्छा और आज्ञा का पालन ना करना आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि प्यार से हमारी बातें मान जाइए, वरना। अच्छा रोहित जी चलते हैं, है ना? सब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि उसकी माँ को नेता बनने का टिकट चाहिए था। लालच मुझ में था सर, नेता बनने की लालच में मैंने अपने आप को पूरी तरह आपको सौंप दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती सर। मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। चांदनी जी आप इतनी स्मार्ट हैं, इतने टाइम से हमारे साथ हैं, फिर भी आपको एक बात काहे समझ में नहीं आ रही कि हमको रिया चाहिए मतलब चाहिए। क्या लगता है आपको हमको आपको टिकट विकेट देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी एक आखिरी मौका देते हैं आपको, अपनी बेटी रिया को ले आइए, टिकट ले जाइए, और अगर नहीं लाती तो आपके पति देव को और आपकी पुत्री को आपके हमारे रिश्ते का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं सबूत देंगे, उसके बाद तो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी तबाह। और वैसे भी जिसकी माँ ऐसी हो उसकी बेटी के पास कोठे पे बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। की जगह पैरों में नहीं दिल में होती। Thank you.
अकेली सोने की आदत अब डाल दो। अब से मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ। चुके हैं और रिया रिया तो घर नहीं आई। मैंने स्कूल अथॉरिटीज को फोन किया था, उन्होंने कहा कि बच्चे कब के निकल चुके हैं। तुम बेकार परेशान हो रही हो, शायद किसी सहेली के घर चली गई होगी। रिया कहाँ होगी? मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे रिया को ढूंढना होगा। हाँ, शतरंज के मोहरों को नजाकत से पकड़ते हैं ऐसे। रिया, मैं वहां इतनी परेशान हो रही थी कि तू स्कूल से अब तक घर लौटी क्यों नहीं, और तू यहाँ मजे से चेस खेल रही है। अरे खामखा नाराज हो रही है आप तो बच्ची पे चांदनी जी। अरे हम खुद ही लेके आए थे इनको स्कूल से, आपको भी सूचित करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, आपका फोन ही बिजी था। मेरी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। बस बहुत हो चुका, तू चल यहाँ से। तुम्हारी पार्टी का काम ठीक चल रहा है ना? तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या कुछ हुआ है? रिया, 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 तू कहाँ चली गई थी? मैं तो बस किचन में गई थी पानी लेने। पानी? सर, सर, मैं तैयार हूं सर। अपनी बेटी रिया को मैं आपके पास ले आऊंगी। आज हमें आपके ऊपर बड़ा गर्व हो रहा है चांदनी जी, बड़ा गर्व हो रहा है। आपको पता है कि हमें शुरू से पता था कि हमारी पार्टी में थे कोई समझदार, सबसे समझदार कार्यकर्ता कोई है तो आप, और आज आपने ये फैसला लेके साबित कर दिया कि हम आपके बारे में गलत राय नहीं रखते थे। अगर ये समझदारी दिखाने में आप एक दिन का और विलंब कर देते, हमने तो सोच लिया था कि भैया बहुत हो गया, अब नहीं है हमारे बस में, उठवा लेते हैं बच्ची को और क्या। देर किस बात के, ले आइए ना उसको अभी रात को। रात को? नहीं सर, रात को लाना थोड़ा मुश्किल होगा। रोहित को कहीं शक, मैं कल सुबह रिया को स्कूल तक पहुंचाने की वजह मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। आपके वादे पे हमें पूरा यकीन था, लेकिन अकेले क्यों आई है? कहाँ है वो? उसे भी लाए।
मेरी रिया को हाथ लगाएगा, मेरी बेटी को हाथ लगाएगा। बोल, बोल। अब बोलिए मैडम, हम सब आपके बयान का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बोलिए। मार दिया मैंने इस हैवान को। इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक बहुत बड़ी नेता बनना चाहती थी, अपना नाम करना चाहती थी, अपना सपना पूरा करने के लिए। पार्टी के लोग आपके काम से खुश तो हैं? दिलवा सकते हैं हम टिकट? थैंक यू सर। थैंक यू, उसे अकेले काम नहीं चलेगा चांदनी से। आप हमारी जरूरतें पूरी करिए, हम आपकी जरूरतें पूरी करते हैं। मैं इस जानवर को अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना है, तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए ना चाहते हुए भी अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को इस हैवान के हवाले सौंप दी। लेकिन जिस वक्त इस दरिंदे की नजर मेरी फूल सी बेटी पर पड़ी, तो मैं सह नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए पश्चाताप मुझे और हमारी बेटी रिया को करना होगा। Shame on you! Shame on you, Chandni! I'm sorry. आखिर सूर्यवंश को मारकर चांदनी ने अपनी बेटी को बचा ली। सूर्यवंश की हत्या करने के लिए चांदनी को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन इससे भी बड़ी सजा उसे यह मिली कि वो अपने पति और बेटी की नजरों में हमेशा के लिए गिर गई। भले ही चांदनी की मर्जी से, लेकिन सूर्यवंश ने अपनी पावर के बल पर एक औरत का शोषण तो किया ही, और इस जुर्म की सजा भी उसे भुगतनी ही थी। याद रखिए, सत्ता अगर देश की सेवा और विकास के लिए हासिल की जाए तो वो नेता को लोगों की नजरों में महान बना देती है, लेकिन अगर इसी के लिए कोई इस कदर नीचे गिर जाए तो फिर ऐसा नेता ज्यादा वक्त तक पावर में भी नहीं रह सकता। यही लोकतंत्र की ताकत है। इसीलिए सावधान रहें सत्ता के ऐसे लालच से जो इंसान को इस कदर अंधा बना दे कि उससे उसकी इंसानियत ही छीन ले। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।